हमारा मंदिर। मेरी आंख में बहुत दर्द हो रखी है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज ना मैं कुछ स्पेशल सा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा हैक्टिक होती है कि हम ना कुछ जुगाड़ करते रहते हैं घर में ताकि हमारा काम थोड़े से इजी हो जाए। तो बस मैं वही शेयर कर रही हूँ आपसे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने वेजिटेबल्स ऑर्गेनाइज मैं कैसे करती हूँ। और मैं जानती हूँ कि सभी हाउसवाइफ्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि मतलब बहुत सारे काम हो जाते हैं, वो खुद नहीं समझ पाती हैं कि मैं कौन सा काम कैसे करूं, कब करूं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू होता है वेजिटेबल्स को अरेंज करके रखना। और इनको फटाफट से अगर कभी कोई गेस्ट आ जाए, या हमारा खुद का भी होता है कि कभी कुछ खाना बनाना हो, अचानक से मन कुछ और सब्ज़ी बनाने का हो, तो काटने पीटने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है हम लोगों को कि फिर एक बार को तो मन करता है कि चलो हम कर ही नहीं रहे इस काम को। तो चलिए आज मैं आपके साथ अपने सब्ज़ी ऑर्गेनाइजेशन शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपनी कुछ सब्जियों को, ये मेरे पास मैश है, इसमें पैक करके रख दिया है। ये वो सब्ज़ियाँ हैं जो मुझे कट करके नहीं रखनी है। तो ये अदरक, नींबू या पत्ता गोभी, खीरे, टमाटो, ये हैं। टमाटो को भी मैं कई बार प्यूरी बना लेती हूँ। अब आ जाते हैं हम काटने वाली सब्ज़ियों पर। तो काटने वाली सब्जियों को सबसे पहले मैं रात को ही अच्छे से पहले नॉर्मल रनिंग वाटर में, उसके बाद आरओ वाले पानी में धो के अच्छे से रख लेती हूँ। सुबह उन सारी सब्जियों को मैं पोंछ लेती हूँ, घर के सारे काम कर लेती हूँ और फिर मैं फ्री होके बिल्कुल ये सब्जियाँ कट करनी शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी देखिए सारी सब्जियाँ ये काट ली हैं। और ये सारे जो डब्बे हैं मेरे, ये सब एयरटाइट बॉक्सेस हैं। अब मैं इनको अपने फ्रिज में अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी वन बाय वन करके। ये बहुत कम स्पेस में आएंगे, जितनी साबुत सब्जियाँ आती हैं उससे कम ही स्पेस में ये मेरी सारी वेजिटेबल्स आ जाएंगी। तो इस तरह से मैं सारी वेजिटेबल्स अपनी कटी हुई ऐसे करके ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। और सीरियसली मेरा इतना ज़्यादा टाइम बचता है ये सब करने में, बहुत ज़्यादा। मुझे खुद भी लगता है कि हाँ यार, ये वाली मेरी ट्रिक तो बहुत अच्छी है, आप भी ट्राई ज़रूर कीजिए। डैडी लेके आए थे ना उस दिन, तो मुझे पता भी, डैडी को डैडी भूल गए, डैडी पहली बार आ रहे थे, डैडी को ही नहीं पता रास्ता, डैडी बस लेके जा रहे थे मुझे। मुझे थोड़ा सा पार्क दिखा तब मैं डैडी को लेकर गया। मुझे खो जाने दो, समझ नहीं आता, छाज लो वरना खो जाओगे। खो जाने दो। तो फाइनली हम पार्क में आ गए हैं। मैं पहली बार इस पार्क में आई हूँ। क्या हुआ? मेरे को भूख लगी है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का व्लॉग मैं इवनिंग से शुरू कर रही हूँ। मैं आई हुई हूँ पार्क में और पार्क में बच्चे फन कर रहे हैं उधर, मैं इधर बैठी थी, सोचा एक्सरसाइज कर लेती हूँ। एक्सरसाइज करते हुए याद आया कि चलो व्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो टुकू की तबीयत बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसको ले आए हैं बाहर की, थोड़ा फ्रेश फील करेगा, फ्रेश एयर लेगा, क्योंकि वैसे हमारा घर खुला है, काफ़ी फ्रेश एयर आती है। ये कैसा लग रहा है पता नहीं, काफ़ी फ्रेश एयर आती है, लेकिन फिर भी जो यहाँ पार्क की एयर है वो तो कुछ और ही है जो फील करने में आती है। तो हम यहाँ पे करेंगे अभी थोड़ी देर जिम, और करीब 2 साल बाद मैं जिम कर रही हूँ। जब मैं पहले रहती थी रेंट पे, तब मैं बहुत जिम करती थी, बट जब से अपना घर बन रहा था टाइम ही नहीं लगता था, और अभी घर बनने के बाद उसको संभालने में टाइम नहीं लगता। तो आज काफ़ी दिन बाद मैं बाहर आई हूँ। तो चलिए अभी जिम कर लेती हूँ पहले, और आपको बीच में बच्चों से भी मिलवाऊँगी। सारे
वैसे ही तू अंडर वेट है और कम हो जाएगा तेरा वेट। मुझे कम ही करना है, और वेट कम करना है। ऐसा लग रहा है मम्मी के कितने बड़े पैर हैं। क्यों देखो डैडी यहाँ आके भी बैठे हैं आराम से, और वहाँ यहाँ भी फोन चल रहा है, और फोन पे भी मैं डैम श्योर हूँ फेसबुक चल रहा होगा। मैं दिखाती हूँ, क्या हुआ? गया। दिखा 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 मम्मा नहीं खोल दिखा दिखा तो नहीं खोल ली आहा मत खोल दिखा तो दिखा नहीं बहुत दर्द हो रहा है। क्या परेशानी हो रही है? अभी कर तो रहे बस अब ठीक है, अब टुकु नीचे जा, रुक 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 मैं आई मम्मी थैंक यू आ गई ये देख रुको पहले एक बार मुझे पैर तो रख लेना तो फिर देखती हूँ। टुकु आगे कर थोड़ा सा, अरे अरे मुझे रखने तो दो पैर, पैर तो रखने नहीं दे रहे मेरे को। अच्छा चलो चलो फिर तेरी तरह मैं रहूंगी। अब करो लटक गई हवा में। चलो फिर घर चलो, मुझे भूख लगी है, आइसक्रीम खाने है। चलो बेटा आइसक्रीम मुझे खानी है। चलो 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 बजे प्रॉमिस। आंखें देख अंधेरे में कैसी काली काली लग रही हूँ। सबकी आंखें काली तो होती है, अरे रॉक्सी भी ऐसी करती है ना। तो हमारा मंदिर कान्हा बैठे हैं, बोलो राधे राधे। देखिए हम आप कपड़े फोल्ड कर रहे हो, कितना काम। जा रहा है मेरे कान्हा जी का खाना। चलो भाई खा रहे हैं लाला। गरम फूक मत मारना। फूक नहीं मारनी। मैंने कब मारी? ये छोटू भी खाएंगे। अभी मैं बना रही हूँ फुलके, रात का डिनर बना रही हूँ। डिनर में मैंने कद्दू की सब्जी बनाई है, और फुलके टुकू की तबीयत ठीक नहीं है तो ट्राई कर रही हूँ कि हल्का ही खाना बनाऊँ कुछ। वैसे इन दोनों बच्चों को ना कद्दू की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है। पहले टुकू सारी सब्जियां खाता था, करेले भी खा लेता था, और करेले खाता था स्पून के साथ, जैसे स्पून से बाकी सब्जियां खाते हैं ना हम लोग, वैसे करेले खा लेता था। लेकिन गुड्डा ने ना उसको चिड़ा चिड़ा के उसकी सब्जियां खानी छुड़वा दी।
तो आजकल वो कद्दू की सब्जी खाने में नखरे दिखाता है, बट मैं उसको पटा के खिला लूंगी, वो आ जाता है बातों में और वो खा लेगा सब्जियाँ। गुड्डा को भी मैं ट्राई करती हूँ कि ग्रीन वेजेस ज्यादा से ज्यादा खाए। हम लोग सभी प्रेफर करते हैं कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा ग्रीन वेजेस खाएं। तो बस डिनर बना रही हूँ। मन ना बड़ा खराब सा हो रहा है, खराब मीनिंग कि जब बच्चे बीमार हो तो होता है ना कुछ अजीब सा, वैसा कुछ हो रहा है, बहुत ज्यादा अजीब हो रहा है कुछ मेरे को, बट ठीक है। अभी वैसे आज उसको काफी आराम है, मैं पार्क भी लेके गई थी उसको शाम को, तो वहाँ भी उसने ज़्यादा तो नहीं खेला, हम लोग 10-15 मिनट में ही लौट आए थे, बट हाँ थोड़ा बहुत फिर भी खेला है। तो अभी डिनर दूंगी और मेरी मैडम जी आ गई हैं, भोग लगा रहे हैं दोनों बच्चे मंदिर में कान्हा जी का। तो पहले टुप्पू ने लगाया लेकिन गुड्डा को फिर सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ कि उसने अच्छे से लगाया होगा, तो अभी खुद लगा के आई है। गुड्डा ज़्यादा ध्यान रखती है मेरे कान्हा जी का। मेरी तो सच बताऊँ मन की सेवा होती है, मैं तो बस सोचती हूँ कि हाँ अभी कान्हा जी को खाना देना है, अभी ये करना है वो करना है। ज़्यादातर काम जब गुड्डा घर पे होती है तो गुड्डा ही करती है ना। अभी सुन रही है खड़े होके। तो बस मैं फटाफट रोटियाँ बना लेती हूँ अभी और इन सबको खाना खिलाती हूँ। तो रोटियाँ भी ना मेरी बहुत सारी हो जाती हैं क्योंकि तीन तो कुत्ते हैं घर में, तो उनको भी बनाना होता है। फिर रॉक्सी है, दो बच्चे हैं, मैं हूँ, मुकेश है, बहुत सारा खाना बनता है हमारा। तो चलिए मैं खाना बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो फाइनली यहाँ मैं सारा खाना बना लेती हूँ और बच्चों ने भूख लगा दिया है। अब मुकेश और बच्चे खाना खाएंगे, पहले मैं बाद में खाऊंगी। और मैं ना रोटियाँ घी लगा के बनाती हूँ, सूखा आटा लगा के नहीं बनाती हूँ। मैंने ससुराल में ही आके सीखी थी, मेरे मायके में तो सूखा आटा लगा के बनाते हैं। तो चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।